आवाज आ रही है? हेलो, स्टूडेंट्स मुझे बताएं, आपको मेरी आवाज अब आ रही है? स्टार्ट करें फिर अपना लेक्चर। ओके गुड, अब मुझे समझ आ रही है। आई होप के अब आपको आवाज़ आ रही होगी। अगर आपने लास्ट टाइम याद किया हो तो हमने आपको प्रोजेक्शंस करवाई थी, ठीक है? प्रोजेक्शंस में हमने डिफरेंट प्रोजेक्शंस की, के कौन सी प्रोजेक्शंस हमने की जिसमें हमने डिफरेंट फैमिलीज़ को देखा। और अब आ रही है, चेक करें। स्टूडेंट्स आई एम बैक ऑनलाइन, काइंडली चेक करें। हेलो स्टूडेंट्स, काइंडली मुझे बताएं आप ऑनलाइन हैं या नहीं, ताकि हम अपना स्टडी स्टार्ट करें। काफ़ी टाइम हो गया है, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। जी कौन कौन इस वक्त ऑनलाइन है, काइंडली मुझे अपना जो है वो नेम सेंड करें या रोल नंबर सेंड करें, ताकि मुझे पता चले। और मुझे ये भी बता दें कि आवाज़ आ रही है आपको, सब कुछ शो हो रहा है। जोहा, बिल्लू मिट्ठू, ये मुझे मिले हैं। जी आयशा, मुसम्मिल, जोहा, मनाहिल। ओके, अब मुझे बता दें, आवाज़ आप सबको सुनाई दे रही है और वीडियो आपको शो हो रही है इस वक्त, जो भी आपको नज़र आ रहा है। काइंडली क्विकली क्विकली से ज़रा मुझे बता दें। ओके गुड, ओके चलें स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब मुझे बताएं, आपके पास आपका कंपस, आपका प्रोटेक्टर और सब चीज़ें अवेलेबल हैं? पेपर मौजूद है आपके पास, ताकि हम काम अपना स्टार्ट करें? ओके, अब अगर आपको याद हो तो सबसे पहले, चले अब मैंने कॉपी अपने सामने, प्रैक्टिकल की कॉपी को खोला हुआ है। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको दिखा दूँ कि अपनी आपने कॉपी किस तरह से सेट करनी है, ठीक है? अगर ये मैं आपको दिखाऊँ तो सबसे पहले ऑलरेडी हम स्केल कर चुके हैं। ये आपने अपना टाइटल पेज बनाना है, ठीक है? ये देखें यहाँ पर, ये आपने रोल नंबर, चाहे आप यहाँ पर लिख लें या आप इसको जो है वो प्लेस कर दें सेंटर में, जैसे आपकी मर्ज़ी होगी। ये रोल नंबर अभी आपको नहीं मिलेगा, जब आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे तो तब आपने इस रोल नंबर को आपने यहाँ पे लिखना है। ओके, अब आगे चलते हैं। कुछ ब्लैंक पेजेस हैं ये जिन्होंने छोड़े हुए हैं, ये आपकी मर्ज़ी है आप रखें या छोड़ें। इसके बाद सबसे पहले आपने इसके ऊपर जो है वो अपना स्केल शो करना है, ठीक है? इसको स्केल हमने ऑलरेडी किए हैं, आपको पता है कि हमने दो तरह के स्केल किए थे। एक हमने किया था प्लेन स्केल और दूसरा हमने किया था डायगनल स्केल। अब हमने क्या करना है, ये जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने सबसे पहले प्लेन स्केल यानी कि खती जो है वो पैमाने को लिखना है। इसमें इस जो है इस कॉपी के ऊपर, यहाँ पर जो है इसने क्या किया है, क्वेश्चंस लिखे हैं जैसे मैंने आपको बताया था। और ये जस्ट अभी इसने यहाँ पर क्या किया है, सिर्फ रेफरेंस दिया है कि लीनियर किस तरह का होता है और RF किस तरह की शेप में होता है, ये सारा कुछ इसने यहाँ पर बताया है, ठीक है? अब आगे चलते हैं। आगे चल के जो है ये हमने क्वेश्चन पूरा जो है वो प्रॉपरली प्रिपेयर किया है कि जी किस तरह से ये जो है वो क्वेश्चन लिखा जाएगा। ये क्वेश्चन लिखा है, अगर आप देखें तो ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन जो है वो नज़र आएगा। इसके बाद ये जो है वो डायगनल स्केल जो है वो बनाया गया है, जिसके अंदर शो किया जा रहा है यार्ड्स को, फीट्स को और इंचीज को,
ठीक है, आई होप आपको समझ आ रही होगी। काइंडली मुझे बता दें आपको सब कुछ पता चल रहा है ना, ताकि मुझे साथ साथ समझ आता जाए कि हम ठीक जा रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये मैं थोड़ा थोड़ा जो है वो रैंडमली आगे जाऊंगी क्विकली क्विकली से। इसके बाद प्रोजेक्शंस जो हैं वो बनाई गई। आप बाकी मैंने स्किप कर दिया है मटेरियल जो आपने करना है। हमने क्लास में ये तय किया था कि हम दो प्लेन प्रोजेक्ट प्लेन स्केल बनाएंगे और दो डायगनल स्केल बनाएंगे अपने दोनों सिस्टम के, इंग्लिश सिस्टम के और मैट्रिक्स सिस्टम के। ठीक है, अब दूसरे नंबर पर हमारी मेन जो थीम थी वो थी प्रोजेक्शन। अब आपने क्या करना है, एक कलर पेपर जो है वो पुट करना है और उसके ऊपर यहाँ पर जैसे इस तरह से हाईलाइट किया गया है प्रोजेक्शंस, आपने क्या करना है इसको प्रोजेक्शन को हाईलाइट करना है, ऐसे लिखना है ताकि ये उससे जो है वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट हो जाए स्केल से। ओके, देन अब हमने क्या करना है, यहाँ आप देखेंगे कि ये वो प्रोजेक्शन है जो कि सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन बनाएगी। अच्छा, अब आपने तारुफ लाजमी तौर पर सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन का लिखना है, जो मैं आपको ऑलरेडी लेक्चर्स के अंदर दे चुकी हुई हूँ। अब प्रोजेक्शन का वही आप देखें, अगर ये सादा सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन जो सिंपल हमारी सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन है, उसमें उसका क्वेश्चन जो है, और उसके बाद ये देखें ये सिंपल सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन जो है वो तैयार की गई है। अब इस प्रोजेक्शन के बाद ये देखें, अगर इसके बाद आगे चलते जाएं तो हमने बनाई दूसरी जो प्रोजेक्शन, इसकी फैमिली है सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया प्रोजेक्शन, जिसे कहते हैं मसावी रकबा प्रोजेक्शन। ये सारा उसका सलूशन जो है वो इस पर किया गया, और सलूशन के बाद जो है वो इसकी मेकिंग, ये देखें ये इसकी मेकिंग जो है वो बनाई गई है। अब मेकिंग बनाने के बाद अगर आप देखें तो RF आपने इस तरह से नहीं लिखना, आपने 1:250 लिखना है, या जैसे भी मैंने आपको क्लास में बताया है इस तरह से आपने नहीं लिखना। ये आपने बाकी का जो है वो आपने देख लिया। इसके बाद ये है मार्केट प्रोजेक्शन। आई थिंक ये सारी प्रोजेक्शन जो मैं अभी तक आपके साथ डिस्कस कर चुकी हुई हूँ, ये सारी की सारी प्रोजेक्शन हम बना चुके हुए हैं। ये है मर्केटर प्रोजेक्शन, जो मैंने आपको बताया था कि मर्केटर जो इसका है इन्वेंटर, उसके नाम पे बनाई गई। ये उसका सारा सोल्यूशन है, और सोल्यूशन के बाद जो है वो इसकी जो है वो नेक्स्ट पेज पर मेकिंग बनाई गई है। आपको सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शंस की तरतीब पता चल गई है, आपने अपनी कॉपी की हाँ जी। अब आगे चलते हैं, मर्केटर प्रोजेक्शन है। अब मुझे काइंडली बता दें आप सबको ये जो है वो समझ आ गई है, किस तरह से आपने अपनी कॉपी को जो है वो सेट करना है। स्टूडेंट्स आई एम वेटिंग, काइंडली मुझे बता दें कि आपको सेटिंग समझ आ गई है। ओके, चलें। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अगला हमारा जो सिस्टम है वो है कॉनिकल प्रोजेक्शन का। अब आपने करना है, आपके पास कलर्ड पेजेस हैं, ठीक है। अब आपने एक कलर पेज जो है वो यहाँ पर दोबारा से सेट करना है अपनी नेक्स्ट प्रोजेक्शन की तरफ चलते हुए, ठीक है। यानी कि अब आप यहाँ पर एक कलर पेज रखेंगी और उसके ऊपर लिखेंगी कॉनिकल प्रोजेक्शन एंड इट फैमिली, या कॉनिकल प्रोजेक्शन भी आप खाली लिख सकती हैं, यानी कि आप लिखने के बाद उसके बाद स्टार्ट करेंगी अपना ये प्रोजेक्शन। अब मुझे जहाँ तक याद है क्लास में हमने सिंपल जो है वो प्रोजेक्शन बनाई थी, सिंपल पैरेलल प्रोजेक्शन, यानी कि सादा मखरूती ज़ील बनाई थी, जिसे इंग्लिश में मैंने कहा था वन स्टैंडर्ड पैरेलल, कॉनिकल प्रोजेक्शन विद वन स्टैंडर्ड पैरेलल का नाम दिया गया था। आई होप आपको वो प्रोजेक्शन जो है वो याद होगी। उसमें हमने क्या किया था बेसिकली, अगर थोड़ा सा मैं उसको रिकॉल करूँ, मैं चाह रही थी कि हम जो टू स्टैंडर्ड पैरेलल पर जाने से पहले मैं आपको वन स्टैंडर्ड पैरेलल थोड़ा सा जो है वो उसको रिवाइज करवा दूँ। ठीक है, इसमें बेसिकली वही क्वेश्चन आता है, जैसे कि जी एक मकरूती ज़ील बनाएं जिसमें जो है वो पैमाना 1:50, यहाँ पर जो है वो 50 लिया गया है, हम बेसिकली 250 के ऊपर काम करते रहे हैं, और
जो है 15 डिग्री का जहाँ पर जो है वो लिया गया, और इस पे आपने जो एरिया दिखाना है वो 50 डिग्री नॉर्थ से लेकर 75 डिग्री नॉर्थ और 60 डिग्री ईस्ट से लेकर 60 डिग्री वेस्ट तक का जो है वो एरिया दिखाया गया है। अगर ये एरिया आपको मैं सिखाऊं तो ये किस तरह से बनेगा, ये आप देखें, ये प्रोजेक्शन 1 स्टैंडर्ड पैरेलल के साथ है। अब इसके अंदर 40 डिग्री जो है वो उसने ए 1 स्टैंडर्ड पैरेलल लिया है, यानी कि हमारे पास जो प्रोजेक्शन है वो 1 स्टैंडर्ड पैरेलल है, ठीक है। और वो कौन से हैं आपके पास 40 डिग्री, अगर याद हो तो हमने अपने प्रोटेक्टर के ज़रिए से जो है ये डिग्री लगाए, 15 डिग्री और 14 डिग्री, ये दोनों लगाए, और इसके बाद इसको एक्सटेंड किया और इसको इसके साथ क्या किया गया, जो हमारे पास 1 स्टैंडर्ड पैरेलल है उसके साथ मिला दिया, ठीक है। आई होप आपको ये रिकॉल हो गया होगा। मुझे बताएं आप में से किस किस स्टूडेंट ने अपनी प्रोजेक्शन जो है रेडी कर ली हुई है 1 स्टैंडर्ड पैरेलल की। इसके बाद क्या किया था, जब ये हमने इतना इंटरवल ले लिया था तो इसके बाद सिंपली बेसिकली जो हमारी प्रोजेक्शन होती है वो कुछ इस शेप की बनती है। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, एक रैंडम लाइन, अगर मैं आपको साथ इसको जो है वो रफली स्केच करके बताऊं तो ये किस तरह से स्केच होनी थी। सिंपली हमने क्या किया था उस टाइम पे, अगर 1 स्टैंडर्ड पैरेलल हमने बनानी थी, इसमें जो स्टैंडर्ड पैरेलल लिया गया था वो 40 डिग्री का लेट्स सपोज अगर ले लिया, और इंटरवल जो है वो 15 डिग्री का रखा गया, एरिया जो है वो शो करना है इसके ऊपर 15 डिग्री नॉर्थ से 75 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, यानी कि 15 डिग्री नॉर्थ से 75 डिग्री नॉर्थ। आपको क्लियर नज़र आ रहा है, इसके बाद दूसरा जो था वो 60 डिग्री ईस्ट से लेकर 60 डिग्री वेस्ट तक, ये कुछ रिक्वायरमेंट्स थी जिन्हें हमने फुलफिल करना था शो करने के लिए। और इसमें बेसिकली एक ज़्यादा चीज़ जो अहम थी वो ये थी कि जी इसमें हमने जो सर्कल बनाना है वो कितने रेडियस का होना चाहिए, तो वो आपको मैं फार्मूला ऑलरेडी जो है वो समझा भी चुकी हूँ, बता भी चुकी हूँ, और मेरे ख्याल में आपको जो है वो अच्छे तरीके से वो फॉर्मूला याद भी होगा। लेट्स सपोज अगर हमारे पास जो था स्केल 1:250, ठीक है, ये हमारे पास था, तो हमारे पास क्या आंसर आता था, कोई मुझे बताएगा। अगर मैं इस स्केल को यूज़ करती हूँ तो मेरे पास जो सर्कल की जो आएगा साइज़ वो क्या आएगा, कोई मुझे बताए ताकि मुझे पता चले कि आपको सारा कुछ समझ आ रहा है। स्टूडेंट्स मुझे बताएं इस स्केल फार्मूला पुट कर, दो इंच, आर यू श्योर कि 2 इंच आएगा, सब मुझे
श्योर है कि 2 इंच आएगा जवाब? बता दें मुझे। फिजान, मोहम्मद फिजान कह रही हैं कि 2 इंच आएगा। क्या नाम? मोहम्मद फिजान, आपका यहाँ पे नेम जो मोहम्मद फिजान शो हो रहा है, आंसर कर रही हैं 2 इंच आएगा। चलें 2 इंच के साथ ही आगे बढ़ते हैं। आंसर आया हमारे पास 2 इंच। अब हमारा नेक्स्ट काम क्या था कि हमारे पास एरिया आ गया, ये एरिया हमने शो करना है, ठीक है, ये हमने यूटिलाइज करना है, एक ये चीज़, और उसमें साथ में सबसे अहम चीज़ यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारा स्टैंडर्ड पैरेलल। इस स्टैंडर्ड पैरेलल को यूज़ करना है। अब जब हम ये तो अभी हम 1 स्टैंडर्ड बना रहे हैं, जब हम 2 स्टैंडर्ड, जब हम, ओके ओके मैं समझ गई हूँ, आपने ठीक आंसर किया। अब हम जब 2 स्टैंडर्ड पैरेलल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर इस वक्त सिर्फ 1 स्टैंडर्ड पैरेलल है। तो जब हम करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास उसने क्वेश्चन के अंदर हमें 2 स्टैंडर्ड पैरेलल्स दिए होंगे। अभी चूंकि मैं आपको रिकॉल या रिवाइज करवा रही हूँ 1 स्टैंडर्ड पैरेलल, तो इसलिए हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। साथ साथ मैं आपको ये भी बताती जा रही हूँ कि 2 स्टैंडर्ड पैरेलल जब हम करेंगे किस तरह से होगा, ठीक है। अब हम जो है इसकी अगर मेकिंग की तरफ जाएँ तो मैं वैसे ही अब आपको बताऊँगी, कंपस वगैरह जो है वो मैं यूज़ नहीं कर रही इस वक्त आलतू के, मेरे पास सारा कुछ, मैं अपने पास मटेरियल लेकर आई थी, लेकिन फ़िलहाल मैं जो है वो बाय हैंड वर्क करूँगी। अच्छा जी, सबसे पहले हमने क्या करना था, 2 इंच का जो है वो एक सेमी सर्कल लगा लें या हाफ सर्कल लगा लें, इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। ये आपने 2 इंच का जो है वो सर्कल लगा लिया, ओके। अब इसको आपने क्या करना है, इसको आपने 4 पीसीज में डिवाइड करना है। ये आपके 4 पीसीज में डिवाइड हो गया। इसके बाद ये जो है ये आपका 0 कहलाता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, और ये आपका ये जो डिग्री है ये आपकी 90 डिग्री कहलाती है। अब बेसिकली अगर हम वापस जाएं तो हमें पता है कि हमारे पास जो इंटरवल है वो 15 डिग्री की है। अब इस 15 डिग्री के इंटरवल को यूज़ करना है हमने। सबसे पहले हमने अपना प्रोटेक्टर लेना है, वहाँ से वहाँ पर इसको प्लेस करके जो है वो हमने 15 डिग्री का जो है वो इंटरवल लगाना है। साथ हमने 15 डिग्री लिख देना है, और इसको आप वो कोई भी नाम दे दें, ए बी सी, इट डिपेंड्स ऑन यू। मनाहिल, काइंडली मुझे ज़रूर बताइएगा नो आपने क्यों कहा है, मैं ताकि कंटिन्यू करूं। अच्छा जी, चलें आगे बढ़ते हैं। ये किया, 15 डिग्री का लगा लिया, एंड देन अब हम क्या करेंगे, अपना स्टैंडर्ड पैरेलल जो है वो 40 डिग्री का, अब वो जो है वो हम लगाएंगे। वही हम अपना प्रोटेक्टर यहाँ पे प्लेस करेंगे, और प्लेस करने के बाद जो है वो 40 डिग्री का कहीं पे जहाँ पे भी जाविया लगता है आपने निशान लगाना है, और देन उसके ऊपर जो है वो आपने प्लेसमेंट कर देनी है 40। अब हमारे पास इस वक्त 15 डिग्री की एक हमने लाइन लगा ली है, और एक हमने 40 डिग्री की लाइन लगा ली है। अब यहाँ पर इसका काम जो है वो ख़त्म हो गया है। यहाँ तक सबको समझ आ गया स्टूडेंट्स? यहाँ तक आपको समझ आ गई है, काइंडली मुझे बता दें। चलें ओके, अब हम क्या करेंगे, सिंपली स्केल लेंगे, स्केल लेकर एक सीधी लाइन लगाएंगे, बिल्कुल सीधी लाइन, फिलहाल रैंडमली आप कोई भी सीधी लाइन लगा लें, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये आपने एक सीधी लाइन लगा ली। अब सीधी लाइन लगाने के बाद आपने क्या करना है, फिलहाल ये रहने दें, इसके बाद वापस इस पे आ जाएं। इसको अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको आपने एक्सटेंड करना है, इस लाइन को सीधा एक्सटेंड करना है, जितना एक्सटेंड करेंगे, चूँकि मैंने फ़ोन भी हाथ में पकड़ा हुआ है और इस वजह से मेरी लाइनें जो हैं वो कुछ अच्छी नहीं लग रही, तो काइंडली आप इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा।
अब आपने क्या करना है, ये वाले पॉइंट को ठीक है मिलाना है इस लाइन के साथ, जहाँ पे भी वो लगे। इट डिपेंड्स, ये ज़रूरी नहीं है कि भाई आपका जो है वो कहीं ना कहीं फिक्स लाइन पे ही लगेगा। अब आपने क्या करना है, ये देखें, ये यहाँ पर कहीं पे कनेक्ट हो गया, ठीक है। अगर आपको देखें तो, यानी कि हमने इस लाइन को एक्सटेंड किया और यहाँ पे एक हमारे पास एक पॉइंट आ गया है, जिसे आप कुछ भी नाम दे दें, स्मॉल एफ के साथ, ठीक है। अब हमारे पास ये एफ डे एफ एंड स्मॉल एफ, कैपिटल एफ एंड स्मॉल एफ जो हैं वो आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, बेसिकली अब हमने इसी, ये जो वाया आया है इसी को यूटिलाइज करना है, ठीक है। सो अब आपने क्या करना है, अपनी कंपस को खोलना है, ठीक है। कंपस खोलेंगे ऐसे करके, खोल के इतना आपने जो है वो ले लेना है, ठीक है। ये आपने कंपस खोल ली, कंपस खोलने के बाद जब जितनी आपकी अब कंपस खुली है, अब आपने ये जो लाइन लगाई है सीधी, फिलहाल जितनी भी आप लंबी लगा लें, इतनी भी लंबी नहीं लगानी कि पूरे पेपर पे ही आप कवर कर दें, आपने इस पॉइंट पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे रखनी है और एक पूरा सर्कल जो है वो ड्रॉ कर देना, जिस तरह ये मेरा हाथ का इशारा आपको दिया शो कर रहा है, ठीक है। ये कुछ इस तरह से लाइन लग जाएगी, ठीक है। ये लाइन लग गई, ये अब आपका एक्चुअली कौन सा इंटरवल शो कर रहा है, आपका जो है वो वन स्टैंडर्ड पैरेलल, जो कि क्वेश्चन के अंदर वो डिमांड कर रहा है। सो आप इसको जो है वो 40 डिग्री, इसके साथ अपनी रिमाइंडर के लिए इसके साथ आप लिख सकती हैं। इसके बाद अब आपने क्या करना है, हमें पता है कि इंटरवल के बाद उसने एरिया हमसे डिमांड किया था कि भाई एरिया दिखाओ, तो ये है हमारे पास एरिया, बैक टू द क्वेश्चन। 15 डिग्री से 75 डिग्री जो है वो नॉर्थ पे हमने उसको, वो कह रहा है कि मुझे ये दिखाओ, और ईस्ट टू वेस्ट के अंदर जो है वो 60 डिग्री ईस्ट चाहिए और 60 डिग्री वेस्ट चाहिए। अगर हम इसको जो है वो थोड़ा सा अपने अपने लिए, अपनी आसानी के लिए इसको कर लें इंटरवल के लिहाज से, तो 15 डिग्री नॉर्थ जो है वो, टू 75 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। इसको अगर हम करें इंटरवल 15 का, चूँकि हमारे पास ये देखिए इंटरवल है, इसको हमने यूज़ करना है, सो हम इसको 15 15 के हिसाब से जो है वो डिवाइड कर देंगे, 15, देन 30 डिग्री, फिर 45, 50, 60 डिग्री, देन आएगा 75 डिग्री। ये दोनों तरफ से नॉर्थ हो गया, ये आपका आ गया, ये आपका क्या बनेंगे, लैटिट्यूड्स बनेंगे या लॉन्गिट्यूड्स बनेंगे, कोई बताएगा कि ये जो मैंने अभी इसको डिवीजन की है, ये लैटिट्यूड्स में आती है या लॉन्गिट्यूड्स में आती है। जी, बता दें ये लैटिट्यूड्स हैं या लॉन्गिट्यूड्स हैं हमारे, हमारे खतूत अर्ज बल्ब बनेंगे या तूल बल्ब शो कर रहा है ये चीज़। लैटिट्यूड्स, यस लैटिट्यूड्स या लॉन्गिट्यूड्स, बाकी भी बता देना। बाकी क्लास सारी सोई हुई है, बाकी तो स्टूडेंट सारे गायब हैं, ये अगर 6 आ गए हैं तो कम से कम आप लोग जो हैं वो अटेंटिवली सुने तो सही और मुझे आंसर्स तो करें। ओके जी, लैटिट्यूड्स हैं ये हमारे, जिसे हमने लैटिट्यूड्स लिखना है, और हमारे पास जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो ये हैं। इसको भी हम जो हैं वो क्या करेंगे, इसी तरह से 15 डिग्री के अंदर जो है वो क्या करेंगे, 15 डिग्री के इंटरवल के साथ इसको जो है वो हम चेंज कर लेंगे, 16 डिग्री। सबसे पहले आप 0 से स्टार्ट करेंगे,
अब यहाँ पर जीरो क्यों नहीं है, क्योंकि ये 15 से 75 तक दे रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है वो आप देखें ईस्ट 60 डिग्री वो दे रहा है और वेस्ट भी वो दे रहा है। आपको पता है कि कॉनिकल प्रोजेक्शन जब हम बनाएंगे तो कॉनिकल प्रोजेक्शन में या तो हम सिर्फ नॉर्थ एरिया शो कर सकते हैं, फिर सदर्न साइड शो कर सकते हैं, हम कभी भी पूरे के पूरे वर्ल्ड को जो है वो इसके ऊपर शो नहीं कर सकते, इसलिए ये इसका एक ड्रॉबैक भी है। सो ये वाली प्रोजेक्शन बेसिकली जो है वो किसके लिए है, आपके नॉर्दर्न साइड के लिए है, ना कि सदर्न साइड के लिए, इसलिए आपने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा जो है वो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं अपने लॉन्गिट्यूड्स को, सबसे पहले 0 डिग्री लगाएं, देन अब आपने क्या करना है उसको इंटरवल से 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री, देन 70। चलें चूंकि हमारे पास 60 डिग्री तक है तो 7 आप लिखेंगे ईस्ट, ये बन गया आपके पास। देन आपने बताना है 15 डिग्री, आपका चूंकि 60 डिग्री वेस्ट भी दे रहा है तो ये आपने शो करना है, 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री। मैं कोई मिसिंग तो नहीं कर रही, काइंडली आप बता दीजिएगा, क्योंकि क्लास में तो आप लोग चूँकि मुझे बता रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं, तो इसलिए अगर कोई मिस है तो मुझे लाजमी तौर पर बता दीजिएगा। आगे चलें, अब हमने क्या करना है, कोई मिस है तो मुझे काइंडली बता दें। ओके आगे चलते हैं जी। अब आगे चलते हैं, यही चीज़ जो हमने, अब हमने ये एरिया जो है वो यूज़ करना है सारे का सारा, ये हमने अब जो है वो अपने इंटरवल के लिहाज से इसको जो है वो चेंज कर लिया है। ओके अब आ जाएं अपने उसके ऊपर, ऑलरेडी अगर आप यहाँ देखें तो मैं यहाँ पर अपना जो स्टैंडर्ड पैरेलल है वो सबसे पहले लगा चुकी हुई हूँ। अगर आप ये देखें, ये स्टैंडर्ड पैरेलल जो है वो लगा लिया है। अब क्या करना है, हमने बाकी के लैटिट्यूड जो हैं वो सारे लगाने हैं। ठीक है, अब ये हैं हमारे पास लैटिट्यूड्स, अगर हम बैक टू क्वेश्चन आए अपने, ये हैं हमारे लैटिट्यूड्स जो दे रहा है 15 डिग्री से 75 डिग्री नॉर्थ के अंदर। ठीक है, अब एक मिस्टेक जो है वो इस क्वेश्चन के अंदर ये हुई है कि उसने हमें ये कह दिया है कि भाई स्टैंडर्ड पैरेलल जो है वो एक्चुअली 40 डिग्री का है। अगर आप सोचें तो क्वेश्चन के अंदर उसने तो हमसे इंटरवल में ही 15 डिग्री मांगा हुआ है, तो ये 40 डिग्री कहाँ से आ गया, कोई मुझे बताएगा ये 40 डिग्री अब हम कैसे लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास तो इंटरवल जो है वो 15 डिग्री का था और हमारे पास जो लैटिट्यूड ड्रॉ हुए तो उसमें तो 40 डिग्री कहीं पर है ही नहीं, तो मैं यहाँ पर किस तरह से ड्रॉ करूँगी, कोई बताएगा। कि किस तरह से अब ये 40 डिग्री का सोल्यूशन किस तरह से निकाला जाए, क्योंकि यहाँ पे तो मेरे पास कहीं पे भी लैटिट्यूड के अंदर 40 डिग्री नहीं है। अगर आप ये देखें मेरे सोल्यूशन जो हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन, जी क्या करना चाहिए अब, हाँ जी 45 का तो लिया था ना, लेकिन इस वक्त मेरे पास यहाँ पर 40 ले लिया मैंने, अब
अब मुझे बताएं क्या करना चाहिए, कि वाकई 40 हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हाँ जी, भी बताएगा किसी के पास इसका आंसर होगा, या मुझे नो बोल दें फिर, क्योंकि मैं आपकी चैट जो है वो साथ साथ रीड कर रही हूँ। येस और नो, किसी के पास आंसर है इस चीज़ का? येस और नो, काइंडली सेंड मी द येस और नो। नहीं है? चले, आप सभी चुप हैं, किसी का आंसर ही नहीं आ रहा। जी, मुझे लगता है कि ये सिर्फ ये बच्ची क्वालिफाई करेगी पेपर के अंदर, और बाकी सब मेरे ख्याल में सब रह जाएंगी। मेरे ख्याल में मुझे तो यही लग रहा है कि ये आप वाकई जो है ना वो एक इंटेलिजेंट है, आपको काफ़ी अच्छा से आंसर पता है कि वाकई हम 40 नहीं ले सकते। एक्चुअली मैंने खुद जानबूझकर 40 का इंटरवल लिया था कि मैं देखूं कि भाई आपको कितना चीज़ जो है वो याद है जो हमने क्लास में की थी। आप सब बच्चे तो मेरे ख्याल में महीने के अंदर भूल गए हैं, तो अभी अगर आपके पेपर 1-2 महीने और डिले होते हैं तो फिर आप लोगों का क्या बनेगा, सोचने की बात है। खैर, ये हम 40 नहीं ले सकते, बल्कि हम क्या करेंगे, 45 लेंगे। 40 की जगह क्या करेंगे, सो हमारा जो स्टैंडर्ड पैरेलल है वो 40 नहीं होगा, बल्कि 45 डिग्री होगा। ठीक है, अब हमने इसको लेना है, 45 डिग्री को यूज़ करना है। चलें, अब यहाँ पर अगर वापस आएँ तो ये जो हमने 2 इंच का सर्कल लगाया था, अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको यहाँ पर हमने सबसे पहले 15 डिग्री का इंटरवल तो रखा ही था। अब ये जो हमने 40 का लगाया था इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से रिमूव करेंगे, और इसकी जगह अब हम अपने प्रोटेक्टर पे 45 डिग्री का जो है वो इंटरवल शो करेंगे। सो यहाँ पर इस एरिया पे जो है ये 40 डिग्री की जगह आप क्या आएगा, 45 डिग्री का इंटरवल आएगा। काइंडली मुझे आप लोग अच्छे से सुने, अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं आ रही तो मुझे आप अच्छे से सुने ज़रूर, ठीक है। सो अब ये 40 की जगह क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। चूँकि मैं रेंडमली वर्क कर रही हूँ, प्रॉपर वर्क नहीं कर रही, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स को यूज़ नहीं कर रही, तो आपको जो है वो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। अच्छा जी, अब फिर क्या करेंगे, वही काम करेंगे, इसको इस ये जो हमारी 90 डिग्री की लाइन है इसको एक्सटेंड करेंगे, और इसके बाद अपने जो भी आपका पॉइंट है 1 स्टैंडर्ड पैरेलल उसके साथ ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट वर्क जो है वो हमारा ये है। अब ये जो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है वो अपनी कंपस खोली, उस कंपस को क्या करना है, इस पॉइंट पे रख के, ये वाला पॉइंट पे रख कर आपने अपनी कंपस जो है वो चला देनी है, हाफ सर्कल आपने लगाना है, और ये आपका क्या कहलाएगा, 45 डिग्री होगा। चूँकि अब पहले हम 40 लगाया था, अब हम 45 लगाएंगे, क्योंकि 40 हम नहीं लगा सकते। इसके बाद सिंपली बहुत आसान है, वापस अपने सर्कल पर आएँ। सर्कल पर आने के बाद अब आपने क्या करना है, ये चाहे तो आप यहाँ से ले लें, बल्कि यहाँ से अब आपने ये इतनी कंपस जो है वो आपने खोली, ठीक है, कंपस खोलें, बल्कि मैं आपको कंपस लाकर दिखाती हूँ कि किस तरह से इस पे कंपस पे वर्क करना है।
हाँ जी, अब आपने क्या करना है, सिंपली ये आपने कंपास खोली यहाँ से लेकर ऐसे करके, ये आप कंपास खोलें, ये आपकी कंपास खुल गई। ठीक है, इसके बाद आप क्या करेंगे, ये वाला इतना एरिया की जो आपने कंपास खोली है यहाँ पर प्लेस करके आप क्या करेंगे, एक सेमी सर्कल लगा लेंगे ऐसे करके, एक पूरा सेमी सर्कल आप जो है वो ड्रॉ करेंगे। क्योंकि इसमें मैंने पेंसिल नहीं डाली तो इसलिए आपको जो है ये पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी एक, ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से जो है वो सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये जो 15 डिग्री का ये एरिया है इसके साथ इसको कनेक्ट कर देना है, और इसको आपने जो है वो वाई जी का नाम दे दें, जो आपका दिल चाहे आपने इसको नाम दे देना है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये जो इतना एरिया है, इतने एरिया की आपने क्या करनी है, अपनी कंपास खोलनी है। ठीक है, ये तकरीबन आपका जो कंपास को बंद कर देना तो उतना साइज बनता है, ये आपका कंपास खुल गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर लाना है और आपने देखना है कि अब आपने 45 के कितने निशान लगाने थे, इसलिए आप अपने क्वेश्चन पे वापस आएं और देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास 45 डिग्री ये है हमारे पास, उसके बाद दो पैरेलल जो हैं वो 60 और 75 डिग्री के लगेंगे, और 45 से ऊपर जो हैं वो 30 और 15 डिग्री के जो हैं वो दो पैरेलल, यानी कि दो पैरेलल 45 से ऊपर हैं और दो पैरेलल नीचे लगेंगे। सो आपने क्या करना है, जो कंपास आपने यहाँ पर खोली थी, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इसका निशान जो है वो लगा लेना है कुछ ऐसे करके। ऐसे पहले आप एक रखेंगे, देन फिर आप क्या करेंगे, दूसरे पर जो है वो ऐसे करके निशान लगा लेंगे। ये दो निशान हो गए आपके, और दो हमने जो है वो नीचे लगाने हैं, एक और ये दो। अगर आप देखें तो ये दो निशान लग चुके हैं। यहाँ तक समझ आ गई है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आ गया? बता दें, ओके, आगे चलते हैं। आगे जा, अब हम क्या करेंगे, सिंपली अपनी कंपास को खोलें, खोलने के बाद क्या करें, यहाँ पर ये जो आपका इनिशियल पॉइंट था, इनिशियल पॉइंट पे अब आपने क्या करना है, सबसे पहले कंपास ये खोल ली, जो पहले पॉइंट है आपका, पहला पॉइंट है जो ये है आपका पॉइंट, इतनी कंपास खोल लें, खुल गई। इसके बाद आपने क्या करना है, ऐसे करके एक पूरा निशान लगा देना, ये ऐसे लग गए। ठीक है, इसके बाद यहीं पर इसी पॉइंट पे आपने रखनी है इसको, कंपास को आपने इस पॉइंट से उठाना नहीं है, आपने अपने सेकंड पॉइंट पे जाना है। ये आपका ये वाला पॉइंट लग गया, देन आपने क्या करना है, अपनी 45 डिग्री का जो है वो लगाया, वह मैंने ऑलरेडी लगाया था, ये आपका 45 डिग्री का लग गया, ये आपका देन जो है वो दूसरा लगेगा। ठीक है, ये और इसके बाद जो है वो आपने, चूंकि मेरी कंपास जो है वो थोड़ी सी टेक्नोलॉजी वाली है तो ये आपको आप समझ नहीं आएगी, इसके बाद ये आपने अपना ये निशान लगा, तो आप देखेंगे कि हमारे पास बेसिकली अगर मैं पेन को यूज़ करूँ तो हमारे पास एक ये निशान आ गया, एक ये निशान आ गया। ठीक है, ये हमारे पास 45 डिग्री का ऑलरेडी मौजूद था। उसके बाद ये है हमारे पास और ये है। अब अगर देखें तो हमारे पास हमें कितने पैरेलल चाहिए थे, हमें एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, हमें चार पांच पैरेलल चाहिए थे। और अगर हम अपने क्वेश्चन में देखें तो 1 2 3 4
फोर एंड फाइव, ये हमारे फाइव पैरेलल जो हैं वो लग चुके हुए हैं। अब हम क्या करेंगे, पैरेलल्स लग गए हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हैं वो दूसरे जो है लॉन्गिट्यूड जो हैं वो हम ड्रॉ करेंगे। अगर हम लॉन्गिट्यूड्स पे वापस आएँ तो हमें पता है कि हमने ईस्ट भी दिखाना है इसमें और हमने इसमें वेस्ट भी दिखाना है। अब ईस्ट और वेस्ट दिखाने के लिए क्या करेंगे, यानी कि अब हमको ज़ीरो, ज़ीरो के बाद हमें कितने चाहिए लॉन्गिट्यूड्स, वन टू थ्री फोर एंड फोर, और ये कितने, अच्छा मुझे बताएं वेस्ट में कितने लॉन्गिट्यूड चाहिए होंगे, लॉन्गिट्यूड्स वेस्ट में कितने चाहिए होंगे आपको, इसमें शो हो रहा है ना, अगर मैं ये थोड़ा सा जूम करूं, काइंडली मुझे बता दें वेस्ट में कितने चाहिए होंगे। बच्चे ओके, यानी कि हमें ज़ीरो के बाद कितने चाहिए, एक दो तीन चार, हाँ जी चार लैंग्वेज चाहिए हमें वेस्ट के और चार ही चाहिए हमें ईस्ट के, और ज़ीरो को इंक्लूड करके, यानी कि हमारे पास ऑलरेडी ज़ीरो और फोर वेस्ट में और फोर ईस्ट में आएंगे। गुड गुड फिजान। ओके अब हम क्या करेंगे, अपने वापस मेकिंग की तरफ आते हैं। मेकिंग में क्या करेंगे, अब ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है, ये जो लाइन नज़र आ रही है, ये अब आपकी क्या है, बेसिकली आपने ये क्या करनी है, ये रिमूव कर देनी है, बस यहाँ तक आप रखेंगे, बाकी ये जितनी भी लाइन है ये रिमूव कर देंगे, क्योंकि मैं पेन से वर्क कर रही हूँ तो ये रिमूव नहीं हो सकेगी। सो ये आपका बेसिकली 0 डिग्री। अब आपने चार जो हैं वो ईस्ट के लगाने हैं और चार आपने वेस्ट के लगाने हैं ज़ीरो को इंक्लूड करके। अब आप क्या करेंगे, वही काम करेंगे, 15 डिग्री का जाविया कहाँ से उठाएंगे, आपको याद होगा कि ये जो हमने एक छोटा सा पॉइंट लिया था वाई और जी का, ठीक है, इस पॉइंट को हमने, इस वक्फे को हमने लेना है, इंटरवल को, ठीक है, कंपस इस पॉइंट पे रखें और आप जो है वो पूरा निशान ले लें, और इसके बाद आप अपने क्या करना है, किसी और पैरेलल पे आपने नहीं रखना सिवाय 45 डिग्री के, ये आपका 45 डिग्री का पैरेलल है, इसको क्या करना है, अब आपने जो है वो निशान लगाने हैं, एक दो तीन चार। आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से मैं एक के ऊपर रख कर, एक के ऊपर रख कर जो है वो निशान लगा रही हूँ, एंड देन फिर ये है वन टू, ये आ गया। अब आपने क्या करना है, सिंपली अपना स्केल लेना है, स्केल लेकर मैं इसी के साथ आपको बता देती हूँ कि अब आपने क्या करना है, ऐसे रखना है, क्योंकि मेरा फ़ोन हाथ में है तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। अब आपने क्या करना है, पॉइंट लेना है और जहाँ पे आपका पहला निशान है वहाँ पर आपने ऐसे करके जो है वो रखना है, और फिर क्या करना है, स्केल के साथ लाइन लगानी है, ठीक है, ऐसे समझ आ गया, ऐसे करके आपने रखना है, ये लगानी है लाइन, देन फिर आपने इसको ऐसे करके प्लेस करना है, और यहाँ पे, यानी कि आपने ना तो इस पॉइंट को छोड़ना है और ना इस पॉइंट को छोड़ना है, ना इस पॉइंट को छोड़ना है ना इस पॉइंट को, ये दोनों पॉइंट्स आपने कनेक्ट करने हैं, बाकी पैरेलल जिनके भी मर्जी साथ जाके ये लाइन ज्वाइन हो, आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। सो आप क्या करेंगे, इसके साथ इसको मिला देंगे ऐसे, चलें जी, ये हमारा जो है वो बेसिकली, बाकी आपने ये जितने भी लाइंस हैं हमारी, इनको आपने रिमूव कर देना है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनके ऊपर अब हमने अपना जो है वो देना है। अगर आपको याद हो तो हमारे जो लॉन्गिट्यूड्स थे वो 15, 30, 45 एंड 60, यहाँ पे लगाएंगे 15, 30, 45, 60 डिग्री वेस्ट, W लिखेंगे साथ, देन यहाँ पर 15 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री ईस्ट,
यहाँ तक सबको समझ आ गई है ये जो मैंने लिखा है? हाँ जी बाकी अब हमने क्या करना है, ये हमने लॉन्गिट्यूड्स के निशान लगा दिए हैं, ये 45 का हमें पता है कि हमारे पास स्टैंडर्ड पैरेलल है, ये हम पहले ही लगा चुके हैं, 45 से ऊपर हैं हमारे पास। सॉरी ये है 45 डिग्री, इससे पहले है ऊपर है 30 डिग्री और 15 डिग्री और फिर उसके बाद है 60 डिग्री और 75 डिग्री नॉर्थ। अब आपको पता है चूंकि हम नॉर्थ बना रहे हैं तो दोनों तरफ आपने जो है वो नॉर्थ का जो है वो एरिया शो करना है। हाँ अभी थोड़ी सी ये डर्टी किस्म की बनी है प्रोजेक्शन, बाकी आपने क्या करना है साइडों से सारा कुछ रिमूव कर देना है और आपकी ये प्रोजेक्शन तैयार है। आई होप कि आपको फर्स्ट स्टैंडर्ड पैरेलल अच्छे से समझ आ गई होगी। कल या मुझे आप हम आपके अपना टाइम सेट कर लेते हैं ताकि हम सेकंड पैरेलल को जो है करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि मैं आपको फर्स्ट पैरेलल जो है स्टैंडर्ड पैरेलल दोबारा से रिवाइज करवा दूं ताकि आपको सेकंड पैरेलल जो हमने करना है उसके अंदर कन्फ्यूजन ना हो। जिसको तो ये फर्स्ट पैरेलल बनानी आ गई समझ आ। अब हम क्या करेंगे इसके बाकी कंपोनेंट्स देखेंगे जिसमें RF है, ठीक है? यहाँ पे हमने 250 लिया हुआ है और इंटरवल है हमारे पास 15 डिग्री का। हम आपने क्या करना है, आपने इसके नीचे लिखना है और आपकी प्रोजेक्शन तैयार है। साथ में आपने जो है इसके ऊपर इसका टाइटल देना है, कॉनिकल प्रोजेक्शन विद वन स्टैंडर्ड पैरेलल, ठीक है? ऐसे। अब चूंकि ये मैंने बनाई है तो कुछ रफ है तो अब ये कुछ तकरीबन ऐसी शो हो, ठीक है? आई होप आपको ये सारी समझ आ गई। काइंडली मुझे बता दें जो भी स्टूडेंट्स अभी वॉच कर रहे हैं उन सबको समझ आ गई है? कहीं पे कोई अगर समझ नहीं आया हो तो मुझसे अभी क्वेश्चन कर लें ताकि मैं उसको रिवाइज करवा दूँ। तो अब ये कुछ इस तरह की आपको प्रोजेक्शन नज़र आएगी, ये देखें। और आपने भी अपनी बुक के अंदर जो आपकी प्रैक्टिकल बुक है उसके अंदर नीट जो है वो तैयार करनी है, ऐसे जैसे ये यहाँ पर नीट वर्क किया गया है, ना कि मेरी तरह से नीट वर्क आपने करना है, ठीक है? सो ये प्रोजेक्शन है। अगर आप बेसिकली मेन जो हमारा प्रोजेक्शन है वो ये है, ये जो कॉनिकल प्रोजेक्शन तैयार की गई है ये है एक्चुअली जो हमारा बेसिक है। ये हमारे लैटिट्यूड्स को शो कर रहा है, ये हमारे लॉन्गिट्यूड्स को शो कर रहा है जो कि हमने बेसिकली तैयार किए हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली क्विकली पूछें ताकि हम इस चीज़ को वाइंड अप करें। अब किसी का भी कोई क्वेश्चन नहीं है? स्टूडेंट्स सबको समझ आ गया? मुझे बता दें यस और नो। ठीक है, सबको समझ आ गया? आई होप किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। फिजान आपने बहुत अच्छा जो है वो मेरे साथ कोऑपरेट किया है। आप मुझे अपना नाम सेंड करें, चाहे व्हाट्सएप में सेंड कर दीजिएगा या जहाँ पे भी, लेकिन मुझे ज़रूर सेंड कीजिएगा। आपने बहुत अच्छा जो है वो मेरे साथ क्लास ज्वाइन की है, मुझे बहुत मज़ा आया आपके साथ। बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो ज़्यादा चुप ही रहे हैं लेकिन आपका कोऑपरेशन मुझे बहुत मज़े का लगा। ठीक है जी, आप सब अपना ख्याल रखें। अब कल या जब भी, मरियम तारीख, ठीक है मरियम? ओके मैं समझ गई हूँ।
हाँ मरीम तारिक, ओके। अब नेक्स्ट क्लास जो है वो हम डिसाइड कर लेंगे कि कब हमने शेड्यूल करनी है, और उसके अंदर मैं आपको टू स्टैंडर्ड पैरेलल सिखाऊंगी, और देन हमारी एक और प्रोजेक्शन रह जाएगी जो है हमारी बोन्स प्रोजेक्शन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लाजमी तौर पर हमने करनी है ये दोनों प्रोजेक्शंस, और एंड देन आपका जो है वो वर्क ख़त्म हो जाएगा। अब मुझे बता दें, आपको नोटबुक में से कोई चीज़ चाहिए हो उर्दू के अंदर जो मैं आपको शेयर नहीं कर सकी, तो वो मुझे काइंडली शेयर कर दें। आपको कुछ, जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको कंटूवर्स दो थे वो शेयर कर दिए थे, और सिंबल्स भी आपके साथ शो कर दिए थे, अगर कोई रीड है तो वो मुझे लाजमी बता दें। ओके, चलें ठीक है। अगर सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड कर चुकी हुई हूँ तो बहुत अच्छी बात है। चलें फिर, अब हम अपनी क्लास को एंड करते हैं और फिर देखेंगे कि नेक्स्ट क्या होना चाहिए। आई होप कि आपको थोड़ा बेहतर समझ आ गया होगा। अब हम वो वाला काम तो नहीं कर सकते जो हम क्लास में कर सकते थे, लेकिन ये एक मेरा तरीका आपको पसंद आया हो समझने का। थोड़ी सी डिफ़िकल्टी तो होगी, लेकिन हमने ऐसे ही जो है वो अपनी अब क्लासेस, अपना कोर्स जो रह गया है उसको कवर करना है। ओके, आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है आपको समझाने का, क्योंकि वर्क पेपर वर्क के ऊपर फ़ोटोज़ के अंदर मुझे मज़ा नहीं आ रहा था आपको लर्निंग करवाने में। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ओके, कोई भी क्वेश्चन हो तो काइंडली आप लोग मुझसे लाजमी यहाँ पे पूछ लें, क्योंकि मैं आपकी लाइव चैट जो है वो रीड कर रही होती हूँ, साथ साथ मुझे आपके मैसेजेस साथ साथ मिल रहे होते हैं। तो क्वेश्चन कोई भी हो काइंडली मुझसे ज़रूर पूछें, मेरे पास आपकी चैट जो है वो शो हो रही होती है। ठीक है, आप जो भी मुझे लिख रही हैं, जैसे आयशा का मुझे मैसेज आ रहा है, बिल्लू का मैसेज आया है, मनाहिल का मैसेज आया है। ठीक है, आप सब अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।